ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। प्रश्न है आज की मुरली से, सतयुग में कौन सी चीज काम नहीं आती जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है? उत्तर है दिव्य दृष्टि की चाबी। सतयुग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। उस समय यह चाबी बाप के काम आती है, इसलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप, तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। अब यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं का वहां शरीर तो है नहीं, परमधाम में वहां शरीर तो है नहीं, इसलिए वहां कोई रूह रिहान हो नहीं सकती। भले बाबा के बाजू में बैठे हैं, लेकिन बाबा से कोई वार्तालाप नहीं होती, रूह रिहान नहीं हो सकती। रूह से रूह रिहान अर्थात वार्तालाप तब हो जब दोनों को शरीर हो। इसीलिए संगम युग पर ही ये सौभाग्य हमें मिलता है कि हम बाबा के साथ रूह रिहान कर सकते हैं। आत्माओं को यहाँ तो अपना अपना शरीर है, बाकी जो नॉलेजफुल रूहानी बाप है उनको अपना शरीर नहीं है, वह है ही निराकार। बच्चे समझते हैं कि शांति धाम में हम आत्माएं अशरीरी रहती है, जैसे बाप भी अशरीरी व विचित्र है, ऐसे तुम आत्माएं भी बिना शरीर के वहां रहती हो। ये समझने की बात है। कहते भी है, नंगे आए हैं नंगा जाना है, यानी ये शरीर रूपी वस्त्र वहां नहीं होगा। आत्मा जब शांति धाम में रहती है तो अशरीरी है, शांति में रहती है। अब रूहानी बाप यह नॉलेज देते हैं। सारी दुनिया में रूहानी बाप और कोई है नहीं, एक ही रूहानी बाप, और सभी है जिस्मानी बाप। रूहानी बाप खुद कहते हैं, मैं अशरीरी हूं। बात करने समय शरीर का आधार लेना पड़ता है। बल शास्त्रों में अक्षर है कि प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, परंतु बाप समझाते हैं प्रकृति का तो शरीर बना हुआ है। कहते ना प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, तो बाबा कहे प्रकृति का तो ये शरीर बना हुआ है, मैं साधारण शरीर का आधार लेता, प्रकृति का आधार लेता हूं, अर्थात साधारण शरीर का आधार लेता हूं। रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है, है ना? रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है। पहले स्पिरिचुअल फादर क्यों कहा गया, वो बात बाबा ने स्पष्ट की। अब बाबा कहे रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है, क्योंकि याद व योग सिखलाते हैं जिससे हमारी आत्मा एवर निरोगी बन जाती है। 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते। फिर जब माया का राज्य होता है तो हम रोगी बन जाते हैं। बाप आकर हमको 21 जन्म के लिए निरोगी बनाते हैं। बाप को यात्रा सिखलाने वाला पंडा भी कहा जाता है। रूहानी सर्जन भी है, स्पिरिचुअल फादर है और
यात्रा सिखलाने वाला पंडा भी कहा जाता है। हम वंडरफुल रूहानी यात्री हैं। इस रूहानी यात्रा को और कोई मनुष्य मात्र दुनिया में नहीं जानते हैं। भारत खास और दुनिया आम, हमेशा ऐसा कहा जाता है। खास हमको यह रूहानी यात्रा सिखलाई जाती है। कौन सिखलाते हैं? स्पिरिचुअल फादर। जिस्मानी यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए, कोई कोई तो एक जन्म में दो चार यात्राएं भी करते हैं। वह कहेंगे जीवात्माओं की यात्रा और यह है आत्माओं की यात्रा। जो पैदल जाते हैं वह है जीवात्माओं की यात्रा और यह है आत्माओं की यात्रा। यह बड़ी समझने की बातें हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद रखना है तो अंत मते सुगति हो जाएगी। बाबा की याद में हम बाबा के पास चले जाएंगे। अब तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ये यात्रा सिखलाते हैं। गीता में मन मना भव अक्षर है, परंतु उनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे, फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो हम याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो हम याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब तमो प्रधान है, सारा झाड़ जड़जड़ी भूत हो गया है। अब आत्मा सतो प्रधान कैसे बने? वापस घर में कैसे जाएं? वहां तो पवित्र आत्माएं ही रहती है, फिर यहाँ शरीर धारण करते रजो तमो में आती है। हर चीज की स्टेज होती है। गाते भी है दुनिया बदल रही है, इनको कहेंगे पुरानी दुनिया आयरन एजेड। नई दुनिया को कहा जाता है गोल्डन एज सत्युग। अब बच्चों की बुद्धि में ये होना चाहिए। बाबा कहे ये चक्र का ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। जब सत्युग था तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह धर्म नहीं है। डीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, यह मुख्य है। युगों पर भी समझाया है कि मुख्य चार युग है, बाकी यह ब्राह्मणों का संगम युग है गुप्त। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। यह सब बातें बच्चों को याद रखनी है और अपना बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। मूल बात ही है कौन सी? विकर्मा जीत बनने की। मूल बात ही है विकर्मा जीत बनने की। बरोबर, हम सतो प्रधान पवित्र थे, असल में 24 कैरेट सोना थे, फिर सतो में आए 22 कैरेट बने, फिर रजो में 18 कैरेट, तमो में 9 कैरेट बने। सोने की डिग्री होती है, ये आत्मा की ही बात है। जैसे ब्रमरी छीछी कीड़ों को ले आती है, उनको बैठ आप समान बनाती है, तुम भी भू भू कर मनुष्य से देवता बनाते हो। ब्रह्मरी कीड़े को ले आकर घर में एकांत में बिठाती है, उनमें भी कितना अकल है। तुम्हारी आत्मा में भी ड्रामा अनुसार पाठ नूंदा हुआ है। तुम जानते हो कल्प पहले भी रूहानी बाप से हमने रूहानी ज्ञान सुना था। कल्प कल्प सुनते रहेंगे, नथिंग न्यू। यह भी बाबा ही समझा सकते हैं। झाड़ को जानने वाला तो बीज है ना। बाप आते हैं तुमको त्रिकाल दर्शी बनाने, तीनों कालों की नॉलेज देते हैं ना, तुमको जीते जी एडॉप्ट करते हैं। जैसे कन्या को भी जीते जी एडॉप्ट करते हैं,
कि यह हमारी स्त्री है। अब प्रजापिता ब्रह्मा की स्त्री तो है नहीं, तो यह एडॉप्ट होते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो यह हमारा बाबा है। परमपिता परमात्मा बाप भी कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। वश्यु बाबा है रूहानी, प्रजापिता ब्रह्मा दादा है जिस्मानी। रूहानी बाप जब तक शरीर में न आए तो नॉलेज कैसे सुनाए? परमपिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। कोई भी प्रकार की नॉलेज हमेशा आत्मा में ही रहती है, आत्मा ही ग्रहण करती है। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा ही पढ़ती है ना, परंतु तमो प्रधान होने कारण आत्मा अभिमानी कोई को रहता ही नहीं। बाबा कहे तमो प्रधान होने कारण आत्मा अभिमानी कोई को रहता ही नहीं। आत्मा अभिमानी तुम अभी बनते हो। सत्युग में ये बातें नहीं समझाई जाएगी। इस समय बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि पापों का बोझा इस समय सिर पर है, वह उतारना है। बाप को बुलाते भी इस समय है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही इम्प्योर तमो प्रधान बनी है, इसलिए बाप को याद करती है। भक्त कोई भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा कोई बिंदी है। बिंदी का तो मंदिर बना ना सके, शोभा ही नहीं होगी। एक तो लिंग बनाते हैं, फिर साक्षात्कार के लिए कहते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय है। क्या लिंग इतना तेजोमय है जैसे अर्जुन के लिए दिखाया है? नावक है, क्या लिंग इतना तेजोमय है जैसे अर्जुन के लिए दिखाया है? ना उनको साक्षात्कार हुआ तेजोमय रूप का, कहा हम तेज सहन नहीं कर सकते। ये अक्षर सुना हुआ है ना, यहां भी शुरू में बहुतों को साक्षात्कार हुआ था। कहते थे बंद करो, हम सहन नहीं कर सकते हैं। आंखें लाल हो जाती थी। वह समझते हैं हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया। किसने कराया? कृष्ण ने तो नहीं कराया, शिव बाबा ने ही साक्षात्कार कराया। उनको दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप कहते हैं चाबी मैं तुम बच्चों को नहीं दे सकता हूं। दिव्य दृष्टि की चाबी मैं तुम बच्चों को नहीं दे सकता हूं, यह चीज मुझे ही भक्ति मार्ग में काम आती है। सत्युग में इसकी दरकार ही नहीं रहती है। तुम पुजारी से पूज्य बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का राज्य भाग्य देकर अपने परमधाम में जाकर बैठ जाता हूं। मैं पूज्य पुजारी नहीं बनता। तुम बच्चे अभी सेंसिबल बने हो, चलन से भी समझा जाता है कि ये कितना मीठा है। इनको धारणा बहुत अच्छी होती है। कितने टॉपिक्स बनाते हैं बाबा, जो टॉपिक सुनाते हैं वो नोट रखने चाहिए। आज यात्रा पर समझाएंगे। यात्रा दो प्रकार की होती है। यह है नंबर वन टॉपिक। मनुष्य सब जिस्मानी यात्रा कराते हैं भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाप समझाते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान तुम इस यात्रा से बनेंगे। आत्मा पवित्र बनने के बिना घर जा नहीं सकती है। सब आत्माएं यहां ही आती रहती है, जाते कोई भी नहीं। जो इस संसार में आत्माएं ऊपर से नीचे उतर कर आई तो कोई भी वापस जाती नहीं, जाते कोई भी नहीं। गवर्नमेंट को भी तुम समझा सकते हो। सत्युग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक बच्चा एक बच्ची होते थे, सो भी योग बल से। अब ख्याल करो सत्युग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे और संपूर्ण निर्विकारी। लक्ष्मी नारायण की गद्दी चली है तो जरूर बच्चा भी होगा,
हम जब योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं तो क्या योग बल से बच्चा नहीं पैदा कर सकते? ये ड्रामा में नूंद है। पवित्र होने के कारण साक्षात्कार होता है कि बच्चा होने वाला है। वह खुशी रहती है, विकार की कोई बात नहीं। तुमसे पूछते हैं, बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो, पपीते का झाड़ मेल फीमेल एक दो के बाजू में होने से फल पैदा होता है। अगर दोनों एक दो के बाजू में नहीं होंगे तो फल नहीं होगा। वंडर है ना, तो वहां क्यों नहीं योग बल से बच्चा हो सकता है? मोर डेल का भी मिसाल है। उनको कहा जाता है नेशनल बर्ड। प्रेम के आंसू से गर्भ हो जाता है। ये विकार नहीं हुआ ना, यह भारत शिवालय था, शिव बाबा ने बनाया था। अब रावण ने क्या बना दिया? वैशालय बनाया है। यह भी किसको पता नहीं है, शिव जयंती तो मनाते हैं, रावण जयंती कहाँ है? रावण का तो किसको भी पता ही नहीं है। उनको बनाकर फिर दशहरे के दिन मार डालते हैं। तुम बच्चे जानते हो, रावण पांच विकारों को इन पटाखों आदि से नहीं जलाना है। बाबा कहे, तुम बच्चे जानते हो, रावण पांच विकारों को इन पटाखों आदि से नहीं जलाना है, योग बल से उन पर विजय पानी है, जो योग बाबा ही आकर सिखलाते हैं। कहते हैं योगी भव होली भव, योगी भव पवित्र भव। गीता में फिर अक्षर है मन मना भव, मुझे याद करो, इस यात्रा से ही तुम शांति धाम में चले जाएंगे, फिर अमर लोक में आ जाएंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, काशी में जाने वाले पवित्र रहते हैं, परंतु काशी में रहने वाले कोई पवित्र नहीं रहते। काशी में जाने वाले पवित्र रहते, परंतु काशी में रहने वाले कोई पवित्र नहीं रहते। यहाँ रावण राज्य में है, पतितों का व्यवहार पतितों से, रावण राज्य में पतितों का व्यवहार पतितों से, वहां है ही पावन का व्यवहार पावन से, फिर भी नीचे तो उतरना ही है। बाबा ने समझाया है, आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। यह भी ब्राह्मणों की बात है, ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण कहां से आए? कोई लड़ाई तो नहीं की? महाभारत लड़ाई दिखाते हैं, फिर उनके रिजल्ट तो कुछ भी दिखाते नहीं है। कहते हैं पांच पांडव थे, तुम कितने पांडव हो? तुम हो रूहानी पंडे, जानते हो अब सबको वापस जाना है। बाबा आते ही है सबको ले जाने। वह है सुप्रीम पंडा अथवा गाइड, लिबरेटर, माया से मुक्त कर साथ ले जाते हैं। साथ में ले जाने वाला गाइड तो जरूर चाहिए। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति याद रहनी चाहिए। वह शास्त्र तो छपे हुए होते हैं, कोई भी जाकर पढ़ सकते हैं। यह ज्ञान तो बाप ही देते हैं, यह ज्ञान कोई शास्त्र में नहीं, ज्ञान का सागर बाप ही देते हैं। फिर शास्त्र पढ़ने की बात ही नहीं, बाप से सुनकर धारणा करनी है। नंबर वन है याद की यात्रा, उनसे ही पवित्र बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई भी समझा ना सके, यात्रा में बहुत कच्चे हैं, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाप समझाते हैं ये ड्रामा का चक्र है। उनके चार भाग है इक्वल। लाखों वर्ष आयु होती तो मनुष्य कितने बढ़ जाते, गवर्नमेंट भी कितना कहेगी कि बर्थ ना हो। बाबा कहे, गवर्नमेंट भी कितना कहेगी कि बर्थ ना हो, यह तो बाप का काम है। वह सब तो जिस्मानी युक्तियां निकालते रहते हैं, बाबा की है यह रूहानी युक्ति।
बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने। एक मत सत्युग में ही होगा, यहाँ थोड़ी हो सकता है। अपने को भाई भाई कोई समझते ही नहीं है। बाबा कहे, अपने को भाई भाई कोई समझते ही नहीं है। बाप बच्चों को बहुत युक्तियां समझाते रहते हैं। अपने पास टॉपिक्स की लिस्ट रखनी चाहिए। एक एक टॉपिक बहुत फर्स्ट क्लास है। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को जास्ती टांटा नहीं करना है, तुम बच्चों को जास्ती टांटा नहीं करनी है, सिर्फ कहना है। क्या? शिव बाबा कहते हैं, सब आत्माओं का बाप मैं परमात्मा हूं, मुझे ही भगवान कहा जाता है, कोई मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा, ये टॉपिक बहुत अच्छी है। जिस्मानी यात्रा मृत्यु लोक में होती है। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। तुम बच्चे कल्प कल्प बाप के साथ मददगार बनते हो, इसलिए तुम हो रूहानी स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, खुद सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाना है। अपनी चलन बहुत रॉयल और मीठी रखनी है। दूसरी पॉइंट, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। अपने पास अच्छी टॉपिक्स नोट रखनी है। एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर्मुखी सदा सुखी, इसीलिए कहते हैं, अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है, और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही है। आज का स्लोगन है, निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की शान में रह तो परेशान नहीं होंगे। निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/